तो दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय हूँ संदीप डीजे खागा। जैसे आप कई वर्षों से देखते हैं कि खागा के जो यहाँ पर जो भरत मिलाप होता है उसमें सेवा करते चले आए हैं। अगर बात करी जाए तो फिलहाल मैं तो 15 साल से नहीं जानता, 10 से 15 साल से जो है बराबर सवारी निकालते हैं, बराबर यहाँ पर सहयोग करते हैं। जब एक छोटा सा डीजे था संदीप डीजे खागा का, वो आज देख सकते हैं इतना बड़ा जो डीजे बन गया है इनके इनके खुद अपने दम में, न किसी के दम में, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक खड़ा किया है, एक ब्रांड खड़ा किया है संदीप डीजे खागा का, तो आज उनसे मिलाने वाले हैं। वो उनके साथ कौन कौन सपोर्ट करता है, उनके कौन कौन ऑपरेटर हैं, अगर कौन कौन जो काम करते हैं, इसी सब वीडियो में आपको मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं पब्लिक का प्यार कि डीजे बंद में काफी सारी जो पब्लिक यहाँ पर इंतजार कर रही है इसको बजने के लिए। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा हम अपना डीजे दिखा देते हैं। तो जैसे आप डीजे देख सकते हैं यहाँ पास कि ऑलरेडी जो संदीप डीजे का है यहाँ की पहचान है कि उसकी जो भी एचएफ होती है दोस्तों, जो भी एचएफ होती है दोस्तों, तो वो एचएफ देख रहे हैं ऑलरेडी सब यहाँ पर कसी होती है, ना इसमें कोई भी मांग के लगाना होता है कि हाँ हमने लगाया फिर हटाया। तो ये जो सीजे सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं पूरी जो एचएफ गोला लाइट अगर सब करेंगे तो इनका जो है, और इधर से देख सकते हैं कुछ इन्होंने अब की जो है 2023 में जो भरत मिलाप खागा में थोड़ा सा चेंजिंग करी है, क्योंकि वक्त को देखते हुए थोड़ा सा पब्लिक की डिमांड थी कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो इस मेले में थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। अभी इसको हम खोल के दिखाने वाले हैं। तो चलो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कार हो रहा है, और फिलहाल अभी हम संदीप भाई इसको बुलाया। संदीप भाई अभी इस समय क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा होती है जब काम होता है तो उधर बिजी है, तो अभी उनको बुलाएंगे हम। थोड़ा सा हम पहले इसको एम्पलीफायर मशीन लाइट और कैसा क्या सिस्टम है, कौन सा जनरेटर लगता है ये दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं टोलाल ए प्रो कंपनी की SRP लगाई गई है और काफी सारी अभी लग रही हैं। 4 ब्लेंडर लगा हुआ है, 4 इसमें फैन लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है पाल लाइट बिक्री पर 007 वो ऑलरेडी लगी हुई है। अगर इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप एचएफ की बात करोगे तो यहाँ पर देखिए ये सब एचएफ लगी हुई है, और प्लस वहाँ पर ऊपर भी एचएफ, काफी सारी मजबूताई देखते हुए। सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी की जो खासियत है ये यहाँ पर साउंड जो होते हैं गाड़ी के ऊपर लाते हैं ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो सके, क्योंकि बहुत अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि डीजे पूरा पलट गया था तो उसमें काफी सारी दुर्घटना हुई थी। तो सब बड़ी बात होती है मेले में कि उस चीज को जो है आपको सावधानी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अंदर का सिस्टम देख सकते हैं, इसकी मजबूताई देख सकते हैं, और अगर यहाँ पास हम आते हैं तो यहाँ पास देख सकते हैं, तो ये आप देखेंगे इधर बगल से, तो यहाँ पास देख सकते हैं जो एम्पलीफायर लगी हुई है, तो 3502 एम प्रो, और प्लस अगर देखा जाए तो एचएफ के लिए ऊर्जा, और इसके ऊपर देख सकते हैं छत में वहां पर स्टंजर यूज हुई है एचएफ के लिए। और यहां पास आते हैं बैलेंस के लिए जो इनकी गाड़ी बनाई गई है, तो बैलेंस का सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों, तो यहां पास कुछ इसमें वजन सामान रखा गया है ताकि इसको मजबूताई मिल सके, और इसके अंदर भी काफी सारा सपोर्ट दिया गया जो आपका बैलेंस बन सके। और इस तरफ अगर हम आगे आते हैं आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पास पप्पू भैया है, पप्पू भैया सेवा कर रहे हैं सबकी, देख सकते हैं यहाँ पास है। अच्छा इतना बता सकते हैं कि जनरेटर कितने केवी का है ये? 62 केवी का है, तो इससे हो जाएगा कि अभी और लगाना पड़ेगा? अभी और लगाएंगे, वो कितने केवी का होने वाला है? 32। तो मैं बता देता हूँ 62 और 32 दोनों का मिल के जब इसका साज बाज बजने वाला है, जब डंका बजने वाला है, जब दो का मेल होगा तभी होने वाला, तो वो चलने वाला है। अगर इस तरह बात करेंगे तो इसका वायर भी देख सकते हैं आप यहाँ पास से भी, और जो वायर की क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पास जो भाई अभी लगे हुए हैं जो टीम में है, तो जनरेटर की यहाँ पास इसका पेट भर रहे हैं क्योंकि इसको खाना नहीं मिलेगा तो भाई साहब ये चलेगा कैसे, तो खाना भी जरूरी है। अगर इस तरफ हम आते हैं तो चारों तरफ गाड़ी के दिखाते हुए बता देते हैं, कान लगे हुए हैं, यहाँ की कुछ गाड़ी का इसी बनावट है। अब आ जाते हैं इस तरफ लास्ट में, तो यहाँ पर अभी SRP के कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस समय हम जो हैं अब संदीप भाई हमारे पास मिल चुके हैं, फिलहाल तो बता रहा हूँ मैं, आज कई वर्षों से हमारे वीडियो में देखते हैं, और साथ में हमारे भैया और भी हैं साथ में, और हम बता रहे हैं तो सब पूछना चाहेंगे। तो संदीप भाई आप हर बार सेवा कर रहे हैं, और हमने यहाँ जनता से पता किया कि आप इसको कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और बराबर चौकी भी निकाली जाती है, और छोटा सा डीजे से आपने स्टार्ट किया आज इतना बड़ा हुआ, और एक नई चीज और सुनने को मिली है कि आज और कुछ स्पेशल हो रहा है, क्योंकि इसके और भी स्ट्रक कान बना दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं स्पेशल कुछ नहीं है, बस क्वालिटी है। जैसे मैं 14 साल से क्वालिटी से डीजे लगाता चला जा रहा हूँ, वैसे इस बार भी क्वालिटी के साथ डीजे मेंटेन। और आपकी जो है सफाई और इसकी बनावट, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका वीडियो वायरल हुआ है, कभी आपने जो मेरे वीडियो में देखा होगा कई लोगों का वायरल हुआ वीडियो, जब आपने कम्पिटिशन किया था साथ उसमें आपको इनाम भी 11,000 का मिला था, तो आप वहाँ इतनी दूर बजाने गए थे,
तो उस वीडियो में हमने वीडियो में नहीं ले पाए थे, थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे इसी वीडियो में, तो थोड़ा उसके विषय में बता दो, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो डाल दी थी और लास्ट में टाइम नहीं मिल पाया था थोड़ा समय के हिसाब से, तो अगर उस मेले के लिए कुछ कहें। नहीं, उस मेले का मैं धन्यवाद अदा करूँगा, मुझे 11,000 रुपये का जो इनाम दिया गया है और 11,000 का इनाम वहाँ पे एक कंट्रोल रूम लगा था, कोई कमेटी थी जी उन्हीं के द्वारा मिला, भी मुझे कोई जानकारी नहीं कि वो कमेटी किसकी थी। बहुत वर्ष पहले इस समय सबसे पहले डीजे खागा का था, मगर आज वक्त के हिसाब से सब काम धंधे चेंज होते हैं, तो कुछ अगर आप कहें भैया। अब हमारा छोटा भाई है जी जी यही कर रहा है, हम तो अपना सब खत्म कर दिए जी जी, लेकिन इसके पहले बहुत कुछ इसने जो है सीखा जी, हमसे भी सीखा, हमने भी इसको जो हमसे बना तो हमने इसको बताया। तो आपकी कुछ लाइट आपने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगी है, क्योंकि एक वीडियो आपका देखा था हमने इससे पहले जब आप कंपटीशन करने इलाहाबाद गए थे, तो वही भोकाल वही और थोड़ा उससे भी एक्स्ट्रा, तो इसमें आपकी बहुत सारा आप सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे इस पब्लिक को भी दिखाया जाए कि पब्लिक का प्यार देख ले जाए, ये सब जितने लोग सुनने के लिए बेताब है, मगर आप थोड़ा सा हम इसको अगर खोल के अगर कान दिखा सके जो बंद है इस समय, तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी जो है इसके शरीर है, और इसके शरीर के साथ दो इसके हाथ हैं, वो हाथ अब दिखाने वाले हैं आपको, वो हाथ इस समय अभी बंद है। ये चीजें ये देखिए, ये यहाँ पास स्लाइडिंग यूज हुई है, तो ये कान बनाया गया है इसका, और ये कान बनाने का रीजन ये होता है कि मेले में काफी सारी जो होती है लाखों लोग आ जाते हैं, काफी जगह भी नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है कि उसको फोल्ड बनाया जाता है ताकि ये आराम से निकल सके। तो ये आप अकेले दम कर लेते हैं, किसके साथ आपका किसी का सहयोग लगता है? नहीं, हमारी 20 आदमी एक कमेटी है, टीम है जी, हमें 12 महीने जी हमारे सारे कार्यक्रम जो होते हैं सब उन्हीं के दम पे होता है। हमें अगर एक इसको जो अगर आप इसको जो प्ले करते हो वो टीम को अगर आप दिखाना चाहें हमारे पब्लिक को, जो आपका लाइट में कर रहा है उसको दिखाना चाहे आप, सबसे मेन सदस्य पप्पू भैया देख सकते हैं कि ये टीम है, और सब बड़ी बात होती है टीम, क्योंकि टीम नहीं होती तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि एक अकेले का बस का काम नहीं होता, इसमें काफी सारी मेहनत लगती है तब जाके ये काम होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो संदीप भाई आपकी टीम में अगर अगर जो प्ले करते हैं डीजे जो बजाते हैं अगर उनको आप बताना चाहें हमारे, हमारी दोनों गाड़ियों में एक ये गाड़ी बजाता है एक लड़का ये गाड़ी बजाता है, तो हम पूछेंगे आपका नाम भाई? वीरा केसरवानी। तो ये पीने केसरवानी है और जो डीजे प्ले कर रहे हैं कई वर्षों से कर रहे हैं, आपको संदीप भाई के साथ काम करने में कैसा क्या लगता है कुछ बताएं? बहुत मजा आती है और हमेशा ये बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, काम करने में इतना मन लगता है कि कहीं जाने का और मन ही नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर किसी को मैं बता दूं, मेरी टीम नहीं समझ लो परिवार है, देखिए बहुत अच्छी बात होती है, टीम तो छोड़ो एक परिवार होता है, जो लगाओ जुड़ाओ है, कम से कम 200 साल हो गए हम लोग एक ही साथ हो गए, चेंजिंग नहीं है किसी की। और हम पूछते हैं अगले से, तो आप अपना नाम बताइए। वीटी ब्रो। तो आप भी मतलब डीजे बजाते हैं, तो आपको संदीप भाई के साथ काम करके कैसा लग रहा है? परिवार है हमारा ये। अच्छा परिवार है, तो देखो अब मैं बताता हूँ कि हमारे भैया हैं ये सबको दिखाया जाए, पप्पू भैया भी हैं साथ में सब लड़के हैं, ये सब परिवार है, अगर इसका एक एक का नाम बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो संदीप भाई जो ये SRP होती है इसका भी कलाकारी होती है, कोई एक बंदा इसको प्ले करता है, तो SRP के बारे में अगर थोड़ा बताएंगे आपका कौन सहयोग कर रहा है, कैसे SRP के भैया सहयोग कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप संदीप भाई का SRP प्ले कर रहे हैं तो आप अपना अगर हमारे यूट्यूब चैनल मतलब करके बताना चाहें। संदीप भैया का मैंने पहली बार काम किया, संदीप भैया का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ जी, मुझे संदीप भैया ने बुलाया था, मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि व्यवहार एक परिवार बना के ही पूरा काम होता है। और अगर देख सकते हैं इस गाड़ी को जो चलाने वाले हैं, जो ड्राइवर होता है, तो उसको भी देखेंगे कि हमारे सलमान भाई हैं, तो ये गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि जो चलाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। ये बताइए आपको संदीप भाई से काम करते हैं कैसा क्या? अगर संदीप बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, तो आपको यहाँ का कोई तकलीफ नहीं उनके बारे में? कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है, परिवार है पूरा हमारा ग्रुप। तो भाई मैं बताता हूँ पूरा परिवार है, तो वीडियो में यहाँ पर अभी मैं आगे और देखना, ये अभी बसता हुआ दिखाऊंगा, रात के चलता हुआ दिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो अगर लंबा होता है तो काफी सारी आपको जानकारी मिलने वाली है।